दोस्तों आईपीएल रद्द होने के बाद क्रिकेट की दुनिया में सन्नाटा सा छा गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रिकेट पर ग्रहण लग गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीएल रद्द हुआ है और क्रिकेट सिर्फ भारत में ही नहीं हो सकता है, बाकी के देशों में कोरोना की स्थिति काबू में है और वहां पर क्रिकेट हो रहा है। और इसी बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने बड़ी घोषणा की है आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर। आपको बता दें कि आईपीएल के बाद यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होना था, आईपीएल तो रद्द हो गया लेकिन यह टेस्ट चैंपियनशिप होगा और यह इंग्लैंड में होगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बीसीसीआई के द्वारा जारी की गई कंफर्म स्क्वाड, कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं और कौन कौन से बाहर, सभी की पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन जीतेगा, इंडिया या तो फिर न्यूजीलैंड। दोस्तों बीसीसीआई ने कल कंफर्म रूप से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्क्वाड घोषित कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलेंगे, वह भी इंग्लैंड में। उसकी भी पूरी शेड्यूल जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो स्क्वाड है उसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, सारे के सारे वही खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया टूर में मौजूद हैं। हालांकि अक्षर पटेल को रिटेन किया गया है इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के बाद। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर 6 तेज गेंदबाज इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। टी नटराजन अभी इंजरी का शिकार है जिसकी वजह से वह आईपीएल से भी बाहर हो गए थे और इस स्क्वाड में भी मिसिंग है। वहीं आपको बता दें कि हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा जो ऑस्ट्रेलिया टूर में चोटिल हो गए थे और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में भी बाहर थे, उन्हें इस स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है और अपनी वापसी वह करने वाले हैं। जबकि केएल राहुल और रिद्धिमान साहा स्क्वाड में शामिल तो हैं लेकिन वह तभी सफर कर पाएंगे और खेलेंगे जब वह अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे। केएल राहुल के बारे में आपको बता दें कि वह हाल ही में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन से गुजरे हैं जिसके बाद उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। वहीं रिद्धिमान साहा पॉजिटिव पाए गए थे आईपीएल के दौरान और सबसे बड़ा शॉकिंग बात तो यह है कि इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया और उम्मीद तो थी कि पृथ्वी शॉ को टीम में जगह मिलेगा लेकिन उन्हें भी नहीं मिला है और उन्हें भी खेलने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों पूरा स्क्वाड आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इंटरनेशनल खिलाड़ी तो स्क्वाड का हिस्सा है ही, इसके साथ ही बीसीसीआई ने 4 स्टैंड बाय खिलाड़ियों को भी शामिल किया है जो टीम के साथ सफर करेंगे और स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। और इन्हें इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि पिछले बार ऑस्ट्रेलिया के टूर में हमने देखा था कि बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से प्लेइंग 11 बनाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था भारतीय टीम को, जिसके बाद बीसीसीआई ने स्टैंड बाय खिलाड़ियों को ले जाने का फैसला किया है। इन 4 स्टैंड बाय खिलाड़ियों में नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्जुन नगवास वाला। और इन खिलाड़ियों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक सर्कल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं बात किया जाए आवेश खान की तो आवेश खान ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से साल 2021 के आईपीएल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट भी लिए थे और पर्पल कैप की रेस में भी लगे हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि टीम इंडिया कब इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है बीसीसीआई के द्वारा, लेकिन हमें उम्मीद है कि मई के अंत में सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए और फिर वहां पर उन्हें लंबा क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हालांकि जैसे ही खिलाड़ी कब जाएंगे इसकी जानकारी हमें मिलेगी, हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। वहीं आपको यदि नहीं पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कब होगा तो आपको बता दें कि 18 जून से 22 जून के बीच सिर्फ एक टेस्ट मैच होगा जो कि फाइनल मुकाबला हो रहा है। 5 दिन का यह टेस्ट मैच होगा और इससे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन और यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल है। इसके पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं हुआ करता था। यह टेस्ट मैचों की एक नई प्रतियोगिता पिछले साल आईसीसी के द्वारा लॉन्च की गई है। कुछ लोग तो इसे टेस्ट मैचों का वर्ल्ड कप भी मानते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 24 मेंबर का स्क्वाड घोषित किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। इन खिलाड़ियों में नाम आता है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली जो कैप्टन रहेंगे, अजिंक्य रहाणे जो वाइस कैप्टन रहेंगे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेंगे, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा। तो यह जो दोनों लास्ट में हमने आपको बताया केएल राहुल
और विद्यमान साहा यह फिटनेस क्लियरेंस करने के बाद ही इंग्लैंड के दौरे पर जा पाएंगे, बाद ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल पाएंगे। और स्टैंड बाई खिलाड़ियों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया ही है, और यह जो स्क्वाड हमने आपको बताया है वह भारत का जो इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट सीरीज होगा उसमें भी यही स्क्वाड रहेगा। और यह 5 टेस्ट मैचों का जो सीरीज होगा इंग्लैंड के साथ वह 4 अगस्त से शुरू होगा और 14 सितंबर तक चलेगा, जिसका शेड्यूल आपको हम अलग ही वीडियो में देंगे और उसके साथ ही PDF भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों वीडियो यहीं तक था, क्रिकेट की वीडियोज हम इसी तरह लाते रहते हैं अपने चैनल पर, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ।